आपने प्लास्टिक के चप्पल देखे होंगे लेकिन आपने बांस के चप्पल नहीं देखे, ये देखिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस एक और नई वीडियो में स्वागत है। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ असम शिवसागर में और आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ हिचेकिंग करके। तो भाई साहब, पहली एक छोटी सी लिफ्ट मिल चुकी है, गाड़ी है कुछ इस प्रकार से, और पता नहीं कहाँ जाएंगे लेकिन जहाँ भी जाएंगे वहाँ तक मैं जाऊँगा। तो अब वक्त आ गया है असम को बाय बाय बोलने का। बाय बाय असम, फिर मिलूँगा। तो भाई अभी मैं जोरहट से समथिंग 20 किलोमीटर पहले हूँ, नागालैंड वाले बाईपास पे हूँ, मतलब यहाँ से नागालैंड भी जा सकते हैं पीछे से। तो सुबह के 11 बज गए हैं और भूख बहुत तेज़ की लग गई, तो मैंने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए भाई, ये है चावल, ये सब्जी और ये भी सब्जी है, ये दाल है, ये पापड़ है, नींबू है, चटनी है। तो ये खाने के बाद मैं आगे निकलूँगा जोरहाट की तरफ। तो अभी तो फ़िलहाल 11 बजे हैं, बाकी खाना खाने के बाद देखते हैं लिफ्ट मिलती भी है या नहीं। इस तरफ रोड है। तो असम में रह के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मज़ा आया, फिर कभी नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो ज़रूर ट्रेवल करूँगा। तो गाइस, फिलहाल तो इस वक्त मैं जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में ही चल रहा हूँ। तो इधर बहुत धूप होती है भाई साहब, अब गर्मी पड़ने लगी है काफ़ी ज़्यादा। तो फिलहाल मैं पीछे खाना खा के बस पैदल चल ही रहा था, तभी भैया मिले मुझे, इन्होंने छोटी सी लिफ्ट दी है, मेरे ख्याल से 10-12-15 किलोमीटर जो भी जहाँ भी छोड़ेंगे वहाँ से फिर लिफ्ट मांगना स्टार्ट करूँगा। और गर्मी बहुत पड़ने लगी इधर, मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मैं इधर असम से बाहर निकलूँगा बिहार या बिहार से यूपी जाऊँगा तो बहुत तगड़ी की गर्मी मिलने वाली है मुझे। तो भैया धीरे धीरे करके पहुँचता हूँ और रात कहाँ होगी मालूम नहीं, तो देखते हैं रात कहाँ होगी। स्टे होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। इस बार मैं घर जाऊँगा या सूरत जाऊँगा, तो पैसे कमाने के बाद मैं अपना एक कैंप ज़रूर ख़रीदूँगा, क्योंकि टेंट रहेगा तो ये तो रहेगा कि चलो कहीं भी लगा के टेंट आराम से रेस्ट कर सकते हो, नाइट स्टे कर सकते हो। तो कोई नहीं, मिलते हैं आगे आपसे। तो भाई ये टूर मिली है बहुत खतरनाक से मालूम नहीं कहां तक जाएंगे, लेकिन जहां तक जाएंगे लेके चले बस, सीधी सी बात है। तो भाई कुछ इस प्रकार से लिफ्ट मिली है, वो खतरनाक है बहुत। ये देखो मेरा बैग पड़ा है और इधर बैग पड़ा है, ये ज़्यादा उड़ रहा था हवा की वजह से तो मैंने इसे दबा दिया है। और सामने का कुछ इस प्रकार से व्यू दिख रहा है रोड का, मुझे लगता है भाई आगे चल के पैसा मांगेगा। अभी भाई साहब टाउन के बाहर निकलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बाईपास मैं छोड़ आया हूं। तो जोरहट का जो आगे बाईपास है उस वाले बाईपास पे जाऊंगा। फिलहाल इस वक्त मैं जोरहट टाउन में चल रहा हूं और 3.5 किलोमीटर है यहां से हाईवे, तो निकलता हूं बाहर मैं किसी तरह से टू व्हीलर में लिफ्ट लेके। सो है गाइस, जस्ट मैं ऐसे ही खड़ा था जोरहट बाईपास पे, तभी मुझे एक बड़ी गाड़ी मिली है, ट्रक में लिफ्ट मिली है और ये भैया है। थैंक यू सो मच आपका, शुक्रिया। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार सिंह। हाँ, भैया का नाम राजकुमार सिंह है और मेरा नाम भैया अनुराग सिंह है। भैया रहने वाले बिहार के कौन से जिला बताए थे भैया? मुजफ्फरपुर के हैं। हाँ, आरा और मुजफ्फरपुर होते हुए ही मैं आया था। तो भैया ने लिफ्ट दिया है मुझे नौगांव से, आधा 1 किलोमीटर बाईपास से पहले छोड़ेंगे। इसी में लिफ्ट मिली है और मुझे नौगांव बाईपास तक भैया छोड़ेंगे। यहाँ चाय पीने के लिए हम रुके हुए हैं और ये गाड़ी कुछ इस प्रकार से पीछे खड़ी कर दी है भैया ने, और ये गाड़ी के कंडक्टर भाई हैं और ड्राइवर भाई हैं। शुक्र है यार, मुझे गाड़ी, बड़ी गाड़ी बहुत पसंद है। ट्रक में अगर मैं सफ़र करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और बाकी यहाँ से चाय पी के आगे निकलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। दो बच्चे हैं, 3 बड़े बड़े हैं। साहब हम फिलहाल इस वक्त काजीरंगा जो पार्क है वहाँ एंट्री कर चुके हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा पीछे 3 हाथी थे और उनके 2 बच्चे थे, तो आगे भी एनिमल मिलते रहेंगे ढेर सारे, तो मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा वीडियो में।
तो गाइस भैया बता रहे हैं कि भैया 18 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं और ये ड्राइविंग में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं बची है जो इन्होंने ना चलाया हो। तो भैया इनका कहना है जो इतना लंबा एक्सपीरियंस और इतना लंबा सफ़र और भैया बहुत दूर दूर तक घूम चुके हैं, तो भैया एक बार फिर से बताएंगे आप कौन कौन सी गाड़ी चलाए हैं। हमने गाड़ी चलाया 800 मारुति वैन, स्विफ्ट डिजायर, चेवरोलेट सेल, बलोरो पिकअप, बलोरो कमांडर, टेम्पू, ट्रैक्टर, उसके बाद में 6 चक्का LP 1109, 12 चक्का, 10 चक्का, 14 चक्का, 16 चक्का, 22 चक्का टेलर। जी जी जी। तो अभी आप जो गाड़ी चला रहे हैं ये कितने चक्के की है? ये 16 चक्के की। तो भाई साहब मैं बता दूं आपको, ये है 16 चक्के की गाड़ी जो भैया चला रहे हैं और ये बिल्कुल न्यू गाड़ी है। अभी इसे 9 दिन हुए हैं सिर्फ आए और ये देखिए सामान पड़ा इधर भैया ने लिया है इसको सजाने के लिए। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, फ़िलहाल तो इस वक्त मैं हूँ नागांव में। कल भाई यार रात हो गई थी तो मुझे ये एक नाम घर है जिसे मंदिर बोलते हैं यहाँ, तो रात को मैं यहीं सो गया था यार। और अभी सुबह हुई है, जाता हूँ कहीं फ्रेश वगैरह होता हूँ उसके बाद आगे निकलूँगा। तो आज शाम को मुझे यार पता नहीं कहाँ पहुँचना है। भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं हूँ नागांव अशाम बाईपास पे और ये जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये जाती है गुवाहाटी। तो सुबह के 5 बज रहे हैं भाई, कोई दुकानें नहीं खुली यार। मैंने सोचा हाथ पैर मुँह धो लें, फ्रेश हो लें, उसके बाद आगे निकलेंगे। तो यहाँ से अभी लिफ्ट मांगना स्टार्ट करता हूँ, सुबह सुबह देखता हूँ कोई लिफ्ट देता भी है या नहीं। तो गाइस मुझे सुबह की पहली लिफ्ट मिल चुकी है नागांव बाईपास से। ये भैया है, आपका क्या नाम है? अजमेर शरीफ। भाई का नाम अजमेर शरीफ है और आपका भैया जी? जोर आलम। फिर से एक बार बोलिए। जोर आलम। भाई का नाम जोर आलम है और भाई जा रहे हैं गुवाहाटी। बहुत किस्मत की बात है, तो गुवाहाटी तक का साथ है इनका और मेरा, बाकी रास्ते में बात करते रहेंगे। सुबह में 5, 5:30, 6 बज रहे हैं लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि लिफ्ट मिलेगी, बट मिल गई तो बहुत अच्छा लगा यार। और भाई भी अभी सो के उठे हैं और मैं भी नामघर में था मंदिर में, वहाँ सो के उठा था। अभी फ्रेश वगैरह नहीं हुए, वो भी नहीं धोया सही से, रास्ते में घर ही रुकेंगे तो वहाँ मुँह वगैरह धो लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। तो हे गाइस फाइनली मुझे लिफ्ट मिल चुके हैं। मैं गुवाहाटी सिटी से लेके बाहर सिटी के कम से कम 2 घंटे पैदल चला था। बहुत ज़्यादा भाई साहब मेहनत करनी पड़ी मुझे और धूप बहुत थी। सुबह से मैं सिर्फ एक परोठा खाया हूँ, उसके सिवा कुछ नहीं खाया, सिर्फ लिफ्ट की आस में बैठा था कि लिफ्ट मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। तभी मुझे रास्ते में भैया मिल गए और फाइनली मैंने जो बनवाया था इसे यूज़ किया लिफ्ट प्लीज वाला, तो मुझे भैया मिल गए। तो ये रहने वाले हैं बक्सा ज़िले के हैं और मैं बता दूं आपको, मैं वैसे मिलने वाला था बी बॉयज से बक्सा जाके, बट उसका करंट लोकेशन मालूम नहीं है, इसलिए मैं फिर कभी फ्यूचर में मौका मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। थैंक यू डियर, आपका शुक्रिया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा किरण बोरो। किरण बोरो। भाई का नाम किरण बोरो है और रहने वाले बक्सा ज़िले के हैं और सौभाग्य से मुझे पीछे मिल गए, वरना मैं बहुत मुश्किल था लिफ्ट मिलना। तो भैया जाएंगे जहाँ तक वहाँ छोड़ देंगे, रात होगी तो जैसे मैं नौगांव बाईपास पे एक नामघर मंदिर में रात को सोया था तो फिर यहाँ कहीं स्टे करूँगा, बात करूँगा। अब मुझे किसी तरह से करके घर पहुँचना है या फिर गुजरात पहुँचना है, फिर थोड़ा बहुत काम करूँगा, पैसे इकट्ठा करूँगा, उससे मैं एक कैंप ले लूँगा इस बार, तो ट्रैवलिंग में मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, फ़िलहाल इस वक्त मैं हूँ असम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में। कल रात मैंने उस ट्रक वाले भाई के साथ ही बिताई थी, तो फ़िलहाल बॉर्डर पे आ चुका हूँ और अभी थोड़ा पैदल चलूँगा आगे, चेक पोस्ट के आगे से लिफ्ट मांगना स्टार्ट करूँगा। अभी भाई साहब 2 दिन हो गया नहाया नहीं, 2 दिन हो गया कोलगेट नहीं किया, हालत बहुत ज़्यादा पहले से ख़राब हो चुकी है, तो आगे चल के लिफ्ट मांगने वाला हूँ मैं। तो भाई साहब जिस रोड में मैं चल रहा हूँ वो जाता है सीधा पटना की तरफ, यानी वेस्ट बंगाल में मैं एंट्री कर चुका हूँ अब। और मौसम आज का बहुत सुहावना है यार, ये देखो रात को बारिश भी हुई थी और कुछ इस प्रकार से दिख रहा मौसम।
तो आगे चल के देखते हैं, कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, शायद उनसे कोई बात बन जाए। तो भाई साहब, मुझे आसाम के बॉर्डर में एक गाड़ी मिली थी ये, और इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया भाई साहब पटना तक की। पटना यहाँ से 650+ किलोमीटर है, मज़ा आ गया। ये आरजे की गाड़ी है, राजस्थान की गाड़ी है, और वैसे भी राजस्थानी भाई बहुत हेल्प करते हैं यार। तो ये गाड़ी मिल गई फाइनली। तीन भाई हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बात कराऊंगा उनसे। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे, शायद आज या कल पहुँच जाएंगे। तो अभी भाई साहब ये डिफ करवा रहे हैं गाड़ी में, देखो। तब आज तो मेहनत नहीं करनी पड़ी भाई साहब, सुबह सुबह लिफ्ट मिल गई 7 बजे, और फिर मैं मतलब मेरे लिए एक भाई ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की थी, उनके साथ तो वीडियो नहीं बना पाया, बट भाई साहब लिफ्ट मिल चुके हैं मुझे फाइनली। और ये लिफ्ट कहाँ तक की मिली है मैं बता दूँ आपको, पटना तक की मिली है डायरेक्ट, यानी 600+ किलोमीटर की लिफ्ट मिली है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब रास्ते में जाने के लिए। बाकी मैं मिलाता हूँ आपको भैया से। ये भैया हैं जिन्होंने मुझे लिफ्ट दिया। हेलो भैया, क्या नाम भैया आपका? अरुण जाट। अरुण जाट यार, जाट जाट जाट। भाई का नाम अरुण जाट है, और ये अकेले ही नहीं है, इनके साथ में और भी हैं, जैसे ये है। आपका उस्ताद क्या नाम है? ये छोटे उस्ताद हैं भाई। पवन पवन कुमार। पवन पवन। भाई का नाम पवन है, और ये देखो एक उस्ताद फोन पे लगे हुए हैं बात कर रहे हैं। आपका? अशरफ। हाँ अशरफ, अशरफ अली या अशरफ? अशरफ खान। भाई जान का नाम अशरफ खान है। तो फाइनली लिफ्ट मिल चुकी है मुझे, बाकी ड्राइवर भाई साहब अपने सामने गाड़ी चला रहे हैं। कितनी मुश्किल भरी जिंदगी है ड्राइवरों की। तो यार मिलके काफ़ी अच्छा लगा आपसे मुझे। अरुण भाई ने गाड़ी पीछे पार्किंग कर दी है वहाँ पास साइड में, और अभी यहाँ आगे चाय पियेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे फिर। भाई पीछे नदी है नहाने का, तो मन कर रहा है ये देखो। बट कोई नहीं, आगे चल के नहाएंगे कहीं मौका मिलेगा तो, नहीं तो घर पे नहाएंगे यार। ज़रूरी नहीं है नहाना धोना, बस काम होना चाहिए। अरुण भाई सही हो गया बिल्कुल। तो अभी एक छोटी सी दुकान है, इधर ढेर सारी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं, तो अभी यहाँ चाय वगैरह पियेंगे फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। देखिए आप लोग, ये छोटी सी नदी है, इस पे पानी थोड़ा कम बह रहा है, उधर ढेर सारे ट्रक वाले भाई खड़े होकर वीडियो वगैरह बना रहे हैं, और इधर सागवन के पेड़ ज़्यादा हैं, और कुछ इस प्रकार से व्यू दिख रहा है इस तरफ का। अभी हम एक छोटी सी शॉप पर आए हैं, यहाँ आप लोगों को पर्स जो देखने को मिल रहा है ये बाँस के बनाए हुए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के कुछ इस प्रकार से लगे हैं। ये देखिए बैठने वाला है, वो कुर्सी है, वो भी चेयर है, बांस का ही सो टोटल बना हुआ है। आपने प्लास्टिक के चप्पल देखे होंगे, लेकिन आपने बांस के चप्पल नहीं देखे। ये देखिए, ये नीचे तो प्लास्टिक लगा है, लेकिन इसके ऊपर जो लगा है ये बांस का लगा हुआ है, और कुछ इस प्रकार से बना के यहाँ टांगे हुए हैं। तो गाइस भैया चला रहे हैं गाड़ी, फ़ोन पर बात भी कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग से बात कर रहे हैं कहीं घर पर अपने। तो अभी वो गाड़ी चला रहे हैं, और दो भाई अब को नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त, अब ये दोनों सोएंगे क्योंकि इनको रात को गाड़ी चलाना है ना, इसीलिए। तो कुछ इस प्रकार से है घर पे अपने बोल रहे हैं कि मैं यूट्यूबर हूँ और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे दिखा भी रहे हैं वीडियो कॉलिंग से। तो अभी सामने का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। यूट्यूब में जाएगी तो फिर